देर रात हुई तेज हवा के साथ बारिश ने जहां ठंड के मिजाज को बदल दिया, वहीं किसानों की कमर तोड़कर रख दी। लगातार खेतों में धान की कटाई व झुराई की कर रहे किसानों को रात में इस तरह से कहर बरस पड़ा कि हुई बारिश को देख खेतों में भीगती धान की फसल से किसान तिलमिला गया। जहां रातों में खेतों में दिन रात किए किसान अपने परिवार समेत धान की कटाई झुराई कर घरों में पहुंचाने में लगे थे, वहीं अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश से किसानों का दिल दहल गया। ऐसा ही नज़ारा कानपुर देहात का रहा, जहां पर हवाओं के साथ बारिश ने एकाएक किसानों को मजबूर कर दिया। घरों में लेटे किसान जहां बादलों की गड़गड़ाहट के साथ हुई बारिश खेतों की तरफ दौड़े, किसान खेतों में बोरों में धान को भराई कर घर पहुंचाने की जुगत में लगे थे, वहीं पानी के तेज हवाओं के साथ आने के बाद उनके अरमान पानी के साथ ही बह गए। दीपावली की खुशी अभी माहौल बना हुआ था जहां पर किसानों में, वहीं तहस नहस हो गई। किसानों के मुताबिक क्षेत्र में करीब 40% किसानों का धान का नुकसान हुआ है। आइए देखते हैं कानपुर देहात से एक रिपोर्ट। चाचा क्या नाम है? उमा शंकर दिवाकर। कहाँ रहते हैं आप? झिंझक। कितनी खेती है आपके पास? 3 बीघा। अच्छा, रात में ये क्या खेत में क्या नुकसान है, कैसे हुआ? ये जो बारिश हुई है इससे बहुत नुकसान है, 40% लगभग नुकसान है। अच्छा, समूचे क्षेत्र में 40% नुकसान है। हाँ। अच्छा, किन फसल को फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ है? ये तो नुकसान तो भी गेहूँ की जो बोनी हो रही उसको भी नुकसान है। हाँ। और जो ये धान कटी पड़ी खेतों में वो तो वही है नुकसान। तो इन हालातों में कैसे आप लोग क्या गुजारा करेंगे? अब क्या करेंगे? आपका नाम? वैसे तो ये बटाई करे हैं नेक राम के नाम से। अच्छा, आप बटाई किए हैं। हाँ। ये कितनी लगभग खेत था ये जिसमें धान हुई थी? 3 बीघा। 3 बीघा। हाँ। तो क्या नुकसान हुआ, कैसे नुकसान हुआ? ये रात को बारिश आई, उसी बारिश में ये जैसे भर भर ही रहे थे रात को भी। हाँ। तो जब बारिश हो रही थी तो उतना कितना कर सकता है आदमी, किसान। हाँ। आदमी रात को। हाँ। अकेला जितना हो सका उतना किया, इसके बावजूद फिर जब हम लोग खुद भीगने लगे तो छोड़ छाड़ के। अच्छा, लगभग कितने बोरा नुकसान हुआ होगा धान का? ये 80 बोरा। और इसके अलावा कुछ बचा भी लिया कि नहीं? नहीं तो ये पूरा ही फसल था। अच्छा, लगभग क्षेत्र में कितना नुकसान हो गया होगा? लगभग क्षेत्र में नुकसान तो हो गया है, बहुत बहुत लोगों के पड़े हैं इधर, लगभग मैं ऐसे ही 100 आदमियों के फिर में नुकसान हुआ। नुकसान। अच्छा, सरकार से क्या मांग करते हैं? अब सरकार से मांग यही है कि जो सरकार हम लोगों को राहत देगी, आ जाओ ठीक है।